नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज़ के हमारे न्यूज़ कार्यक्रम में। और आज जो हम खबर लेकर के आए हैं वो कहीं और नहीं बल्कि बिहार के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से रिलेटेड। मोदी पर इतना बरसे शत्रुघ्न कि शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस में आ जाइए, आप जैसे हीरो की जरूरत है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर जम करके बरसे। शॉटगन ने कहा कि वह निजी तौर पर वन मैन शो और टू मैन आर्मी के खिलाफ थे। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के फैसलों नीतियों को लेकर के वह इतना बिफरे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का खुला निमंत्रण दे डाला है और कहा है, शत्रु जी आप कांग्रेस में आ जाइए, हमें आप जैसे हीरो की ही जरूरत है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से पीएम मोदी और केंद्र के फैसलों और नीतियों की निंदा करते आ रहे हैं। ताजा मामला थरूर की लिखी किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया की लॉन्चिंग से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि लोकतंत्र में पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ तो राष्ट्र पार्टी से बड़ा है। ऐसे में मैंने जो भी कहा है वो राष्ट्रहित में था। अभी तक मैंने किसी प्रकार के समर्थन या मदद की मांग नहीं की है। तंज कसते हुए शत्रुघ्न ने बताया कि देशवासियों को और वादों और जुमलेबाजी के बजाय नौकरियां और अच्छी सुविधाएं संसाधन चाहिए। मैं केवल 15 लाख लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं वन मैन शो और टू मैन आर्मी के खिलाफ हूं। वो ही देश चला रहे हैं, ये कैसे हालात हैं। बतौर एक्टर वह नोटबंदी, जीएसटी और अन्य मसलों पर क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, इस बारे में पूछे जाने पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई वकील बगैर अनुभव के आर्थिक मामलों पर बात कर सकता है, टीवी एक्ट्रेस केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बन जाती हैं, एक चाय बेचने वाला जिसने कभी सोचा ना हो कि वह इतनी ऊँचाई पर पहुँचेगा, तो फिर मैं क्यों नहीं इन मुद्दों पर बात कर सकता हूँ, सवालिया निशान खड़े करते उन्होंने इस बात को कहा। इसी बीच थरूर ने उन्हें कांग्रेस में आने का खुला न्योता दे दिया है। उन्होंने कहा कि आप जैसे हीरो के लिए हमारे यहाँ जगह है। कांग्रेसी नेता ने आगे पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम दलित और मुस्लिमों से जुड़े गंभीर मामलों पर अक्सर चुप्पी साध जाते हैं। ये बात तो तय है कि पिछले कई लंबे समय से शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, अरुण शौर्य जैसे कुछ जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, शत्रुघ्न सिन्हा तो अभी भी पार्टी में है, लेकिन यशवंत सिन्हा अभी वो पुराने नेता हो चुके हैं और वो इस बार ना तो कोई चुनाव लड़ा है और ना ही उन्हें कोई मंत्रिपद मिली है, लेकिन लगातार ये कुछ एक नेता है जो अपने पार्टी में होते हुए भी अपने पार्टी के अगेंस्ट जाकर के मोदी या अलग अलग नीतियों के बारे में बोलते रहे हैं, मुखर रहे हैं। और लगातार शत्रुघ्न सिन्हा का जो नज़दीकी है लालू यादव या आरजेडी पार्टी के साथ, वो भी दिखाई देता रहा है। तो ये थी शॉटगन से जुड़ी हुई एक अहम खबर और बिहार की राजनीति का एक छोटा सा नज़ारा। हम फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद एक नई खबर के साथ, एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।